वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज चैप्टर नंबर 8 जो आपके स्क्रीन्स पर दिख रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर्स राइट्स। अब आपको क्या समझ आता है इस टॉपिक से, इस नाम से क्या समझ आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको इस बात से क्या समझ आता है कि शेयर होल्डर्स राइट्स क्या है? सोचो, आपके अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स राइट्स आखिर है क्या? मेन क्वेश्चन तो ये है कि शेयर होल्डर्स राइट्स आखिर क्या है। शेयर होल्डर्स राइट्स आपने पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव में, और आप हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, और ये किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। ये है हमारा कंटेंट, ठीक है, लेसन आउटलाइन। हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन। चलो हम लोग एक बार देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स इज सैक्रोसैंक्ट, मतलब ये एक इंडिजीनियस पार्ट है, ठीक है, ऑफ फॉर गुड कॉर्पोरेट और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, ये भी हमें समझ आ गया कि शेयर होल्डर्स का राइट प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, इट इज़ एन एसेंशियल एंड इंग्रेडिएंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट कहेंगे हम इसे। और फॉर द एफिशिएंट, आगे पढ़ते हैं, फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इज दैट द इन्वेस्टर्स राइट्स आर वेल प्रोटेक्टेड। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो इन्वेस्टर्स के राइट है ना, वो चीज़ वेल प्रोटेक्टेड हो, उनका ख्याल रखा जाए, उनको कभी भी उनके राइट, जैसे उनका राइट टू डिविडेंड है, राइट टू अटेंड मीटिंग्स है, उन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वो चीज़ लेकर ही चलनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, ठीक है, एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयर टू। देखो, सिक्योरिटीज मार्केट आखिर है क्या चीज? सिक्योरिटीज मार्केट वो प्लेटफॉर्म है, एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग आके, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डील करते हैं। ठीक है, तो अगर वो उनमें एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि उनके पैसे सेव है, उनके राइट्स को कोई ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, तब तक वो इस प्लेटफॉर्म पे कन्वीनियंटली कॉन्फिडेंटली आकर काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ सिक्योरिटीज मार्केट की बात की गई है, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, मतलब कोई भी मैटर जो इससे रिलेटेड है या कनेक्टेड है किसी भी तरह से, मतलब एंसिलरी जो भी है, किसी भी एंगल से अगर वो कनेक्टेड है तो उस चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर क्या है, द सेंट्रल एलिमेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द चैलेंज, है कि नहीं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, चैलेंज। एक बहुत ही एक चैलेंज के तौर पे ये चीज़ आ जाती है। देखो, क्योंकि जब एक इंसान एक्सरसाइज करता है अपना राइट ना, तो वो किसी उनका कोई एक सिचुएशन ऐसा होता है जहाँ पे उनको वो राइट एक्सरसाइज करने के लिए लोगों के अगेंस्ट भी जाना पड़ता है। ठीक है, तो चैलेंज अराइज होता है, अराइजिंग आउट ऑफ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। देखो, क्योंकि ओनरशिप किसी और के पास है और कंट्रोल किसी और के पास है, तो ये प्रॉब्लम एक बहुत ही क्रूशियल प्रॉब्लम अराइज होता है, क्योंकि आप जानते हो कि ओनरशिप फंड अलग है, कैपिटल, और वो हम सिक्योरिटीज़ मार्केट से उठाते हैं, और सिक्योरिटीज़ मार्केट में कौन इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो एक्चुअली में मैनेज करते हैं इस चीज़ को वो अलग है, द एक्चुअल मैनेजमेंट पर्सन इज सेपरेट फ्रॉम द ओनरशिप, जिनके पास ये ओनरशिप है उनसे ये मैनेजमेंट अलग है, तो ये प्रॉब्लम आता है। देखो, एक प्राइवेट जो कंपनी होती है जहाँ क्लोज लिंक्ड है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब एक दूसरे को पर्सनली फेस टू फेस जानते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती जनरली। लेकिन जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहाँ पे ये चीज़ एक चैलेंज बनकर आता है जो हमारे मैनेजमेंट है उनके लिए। ठीक है,
द शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर्स. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की कि असलियत में मालिक कौन है, जिनका पैसा लगा है वो मालिक है, वो कौन है, हमारे ओनर्स. ठीक है. ऑफ अ कॉरपोरेट एंड द गवर्नेंस फंक्शन कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ द कॉरपोरेट. वो जो मैनेजमेंट होते हैं वो बस फंक्शंस को ऑपरेट करते चलाते हैं, लेकिन जो असली मालिक है वो है इन्वेस्टर्स. देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड दैट देर इज अ मिसमैच बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द एक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. हो सकता है, वाजिब सी बात है कि अगर हम कुछ करें हमें तो पता नहीं चलेगा ना शेयर होल्डर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. लेकिन इसलिए भी मिसमैच हो सकता है, कोई ना कोई ग्रीवेंसेस हो सकते हैं. इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए मैनेजमेंट एक सेपरेट विंग ही बना देता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल. और ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, सभी के रेगुलेशंस में भी आती है. Therefore, there is a need to lay down clearly the rights of the shareholders and that of the management. इस चैप्टर में हम ध्यान देंगे कि हमारे शेयर होल्डर्स का राइट्स क्या है. ठीक है. और अगले चैप्टर में हम ध्यान देंगे कि हमारे स्टेक होल्डर्स का राइट क्या है. ठीक है. ये हमने पढ़ लिया. In the Indian context, the SEBI Act 1992, the various SEBI regulations and the guidelines and the Companies Act enables the empowerment of shareholders' rights. ठीक है, हमें ये समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. शेयरहोल्डर्स जो SEBI है इस चीज़ को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है. कहीं भी उनको लगता है कि इन्वेस्टर्स जो भी मार्केट का कॉन्फिडेंस अगर ख़त्म हो रहा है, इन्वेस्टर्स की नज़रों में अगर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो वो तुरंत एक्शन लेता है उस पर्सन के खिलाफ या उस कंपनी के खिलाफ जिन्होंने भी ये चीज़ करने की कोशिश की है. अब हमारा मेन टॉपिक क्या आता है कि वेरियस जो एक्ट्स है, रेगुलेशन है, उसमें क्या क्या राइट्स हैं. ठीक है. तो इसमें क्या है, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स. चलो सही है. शेयर होल्डर्स तो आपको पता होगा जिनका नाम होता है मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में. ठीक है. चलो ठीक है, हमें पता है ये बात, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स अंडर सेबी और LODR. अब हम देखेंगे कि LODR में आपका क्या राइट होता है, उनके अकॉर्डिंग आपके पास क्या क्या राइट्स हो सकते हैं. और ये आप देख रहे हो कि आपको अपना राइट्स पता होना चाहिए, लेकिन सिंस एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू शुड ऑल्सो नो योर ड्यूटीज. बिसाइड्स नोइंग द राइट्स यू शुड ऑल्सो नो योर ड्यूटीज. रेगुलेशन 4 कहता है कि दैट द लिस्टेड एंटिटी विच हैज लिस्टेड इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज शैल कंप्लाई विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस एज स्पेसिफाइड इन चैप्टर 4 विच शैल बी इंप्लीमेंटेड इन अ मैनर सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स of principles which are already discussed in lesson 2 of the study material. हम करेंगे ये chapter भी. तो उसमें जो भी दिए गए provisions है, जो भी principles है, हमें उसे achieve करना है. लेकिन जो हमारा companies act है वो काफ़ी detail में ये चीज़ discuss करता है, तो हम भी discuss करते हैं. Right to receive copies क्या है of the following documents. ये जो documents है उनकी copies receive करना एक उनका अधिकार है. क्या क्या चीज़ है अब हम देख लेते हैं. पहला है अब्रिज्ड बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एंड द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अदरवाइज. देखो इस चीज़ को हम दो दो चीज़ों में बाइफरकेट कर सकते हैं. आप इससे इसका आपके पास आई होप नोट्स हैं, नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप करो जल्दी से, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी. और पढ़ने में टाइम नहीं लगाना है, हमें वेस्ट नहीं करना है एक भी टाइम. तो इस चीज़ को हम कर सकते हैं, एक तो लिस्टेड के अकॉर्डिंग, ठीक है, और एक है अनलिस्टेड में. पहला लिस्टेड में क्या है कि अब्रिज्ड बैलेंस शीट आपको देनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस देना होगा. चलो ठीक है. इसमें क्या है, और इसमें है सिर्फ बैलेंस शीट, अब्रिज्ड नहीं, इसमें सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, दैट्स क्लियर. और नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ MD. आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना उसे भी आपको अगर वो चीज़ मांगी जाए तो आप उनको आपको प्रोवाइड करवाना ही होगा. नोटिसेस, ये तो बहुत ही एक क्रूशियल पॉइंट है कि आपको नोटिसेस देनी होगी. आपको डेट तो याद होगा 21 क्लियर डेज. क्लियर, एकदम सही, 21 क्लियर डेज की बात हो रही है.
और फिर आता है हमारा नेक्स्ट राइट, दैट इज राइट टू इंस्पेक्ट. मतलब आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, कॉपीज मांग सकते हो, आप उसे देख सकते हो जाकर. जो स्टैटूटरी रजिस्टर्स होते हैं और रिटर्न्स होते हैं, और उनकी कॉपीज लेने का अधिकार है ऑन द पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस. क्योंकि देखो उनकी इतनी बल्की होती है ना कि आपको सभी को फ्री में अब अगर हम देने लगे, ऐसा नहीं है कि आप वो प्रॉफिट के लिए आपको कॉपीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. लेकिन एक कॉस्ट मीट आउट करना भी ज़रूरी है, इसलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जाता कभी भी. तो यहाँ क्या है, डिबेंचर ट्रस्टी डीड. चलो सही है, किस सेक्शन में की बात हो रही है, सेक्शन 71. ओके जस्ट अ सेकेंड. रजिस्टर ऑफ चार्जेस कौन सा सेक्शन है, आपको ये सेक्शंस कुछ रिटेन करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आप सभी रिटेन कर दो, वो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आपको कुछ सेक्शंस को है वो रिटेन करना पड़ेगा. और ये सब मुझे लगता है कि आप सभी को याद भी होगा सेक्शंस. फिर है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स डिबेंचर होल्डर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स एनुअल रिटर्न्स. ठीक है, सेक्शन 94. मिनट्स, ये देखो सेक्शन 119 की बात की गई है, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग. चलो ये भी हो गया, इसमें ऐसे समझाने वाली तो कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर हम लोग एक बार देखते हुए चलते हैं. फिर है हमारा पॉइंट है रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से सेक्शन में, 89. फिर है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डिंग, सेक्शन 170. ये सब सेक्शंस कुछ ऐसे हैं ना जो हम जनरली पढ़ते समय स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अच्छी मतलब अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जब हम लॉ भी पढ़ते हैं, प्रोविजंस भी पढ़ते हैं. कॉपी ऑफ अग्रीमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी या मैनेजर की बात की गई है, कि उनका जो भी कॉपी है ऑफ अग्रीमेंट अपॉइंटमेंट का, तो आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवानी पड़ेगी. और ये सब हमने क्या पढ़ा एक बार, कि इंस्पेक्ट करने का आपको राइट है एज अ शेयर होल्डर, और कॉपीज लेने का राइट है. चलो समझ गए. फिर है हमारा क्या राइट और बनता है, राइट है टू अटेंड मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स. देखो वोटिंग राइट बहुत ही क्रूशियल राइट होते हैं किसी भी शेयर होल्डर्स के लिए. जनरली जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज के बहुत ही कम शेयर होल्डिंग रखने वाले, वो जनरली वो मीटिंग्स में आते नहीं है. उनको लगता है कि वो सिर्फ प्रॉफिट से ही उनका लेना देना है, प्रॉफिट से ही कंसर्न है वो बेसिकली, तो वो जनरली मीटिंग्स अटेंड ही नहीं करते, तो वो अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज ही नहीं करते, वो बहुत ही गलत है. ठीक है, तो हमें अपने जो वोटिंग राइट्स है उनको एक्सरसाइज करना है. हमें अगर हम खुद नहीं जा सकते तो हम प्रॉक्सी को भेजना है, इधर पर्सनली और थ्रू प्रॉक्सी. ठीक है, आप समझिए, इधर पर्सनली और प्रॉक्सी. चलो ये बात भी क्लियर होगी हमें. ये मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि आप ये पॉइंट्स ना जब खुद पढ़ने जाओगे ना सेल्फ स्टडी करने, तो आप ये स्किप करोगे. अदर राइट्स क्या है, चलो वो भी देख लेते एक बार. पेन का कलर चेंज करने के बाद देख ले, बिल्कुल सही. अब हम देखेंगे कि हमारे इसके अलावा जो ऊपर दिए गए राइट्स हैं उनके अलावा क्या राइट्स हैं हमारे पास. पहला है राइट टू रिसीव शेयर सर्टिफिकेट्स ऑफ एज टाइटल ऑफ द होल्डिंग्स, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट्स हमारे लिए एविडेंस का काम करते हैं. और ये सेक्शन कौन सा है, 46. ट्रांसफर शेयर्स हमारा हक बनता है, ट्रांसफर है और ट्रांसमिशन है. रिसीव डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होगा हमें रिसीव होना चाहिए. राइट शेयर्स अगर कंपनी डिक्लेयर करती है तो भी हमें मिलनी चाहिए, और ये सेक्शन है 62. डायरेक्टर्स अपॉइंट करना भी हमारा हक है, हम वोट कर सकते हैं, सेक्शन 140. शेयर सरप्लस और वाइंडिंग अप, लास्ट में हमारा जनरली बचता नहीं है पैसा इक्विटी के लिए, लेकिन फिर भी हमारा हक है कि हमें मिले अगर कोई पैसे बचे हुए रहते हैं. राइट टू एक्सरसाइज कलेक्टिवली इन रिस्पेक्ट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी.
मतलब ये बेसिकली कोई एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आप वो कर सकते हो, राइट टू मेक एप्लीकेशन कलेक्ट, मतलब ट्रिब्यूनल का, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का अगर आपको कलेक्टिवली लगाना है, नॉमिनेशन के लिए ठीक है, अपने नॉमिनी को अपॉइंट करना है तो वो भी आपका हक है, राइट टू वोट इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर, मतलब ठीक है जितना आपका शेयर कैपिटल है, वेरिएशन है 46 में, ठीक है। इन केस में वाइंडिंग अप हमारे क्या क्या राइट्स हैं, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट सेम सेक्शंस आ गए, ठीक है। अब है हमारा कुछ अलग पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं। अ प्रोमोटर इज अ पर्सन और अ फर्म और अ कंपनी। आपको प्रोमोटर का डेफिनेशन पता होगा आई होप सो, अगर नहीं है तो भी मेरे चैनल पे चेक करो, मैंने प्रोमोटर का डेफिनेशन शेयर किया है, हमने डिस्कस किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। हु डज नॉट, हु डज द प्रिलिमिनरी वर्क फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। चलो सही है, जो आइडिया कंसीव करता है जो बंदा, उसे या बंदा या फिर कंपनी या फिर फर्म, उसे हम कहेंगे प्रोमोटर। ओके क्लियर। इंक्लूडिंग फ्रेमिंग इट्स MOA, ये तो कंपनी के बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसे फॉर्म करना, उसको बनाना, उसको ड्राफ्ट करवाना, उसको प्रिंट करवाना, उसको नोटराइज करवाना, उसको रजिस्टर करवाना, ये सब बहुत ही ज़रूरी काम है जो प्रमोटर करते हैं, ठीक है। इट्स इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस एंड इनिशियल रेजिंग ऑफ कैपिटल फॉर द बिजनेस। वो इनिशियली जो कैपिटल रिक्वायर्ड है उस चीज़ को रेज करवाते हैं और कंपनी को स्टार्ट करवाते हैं बेसिकली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। उसके अकॉर्डिंग जो उनके यूएस की जो सिक्योरिटीज लॉ है ना, उनके अकॉर्डिंग हमारा प्रमोटर का डेफिनेशन क्या होता है, क्या होना चाहिए, और ये है रूल 405। आपको ये रूल याद करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप कितने याद करोगे, आप भी स्टूडेंट हो ना ये चीज़, और ऊपर से ये हमारा लॉ भी नहीं है, तो बेसिकली आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। ओके, एज पर रूल 405 प्रोमोटर इंक्लूड, प्रोमोटर के डेफिनेशन में किनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। एनी पर्सन हु एक्टिंग अलोन और इन कंजंक्शन विद वन और मोर पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक्स इनिशिएटिव इन फंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन बिजनेस और एंटरप्राइज इन एन इश्योर। जो भी फंडिंग या शुरुआत करवाते हैं ना, बेसिकली इन सभी का मतलब एक होगा, जो कि इनिशियल स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। ये बंदा जो भी फर्स्ट ये ब्लॉक लगाता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रोमोटर, ओके। एनी पर्सन हु इन कनेक्शन विद द फाउंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द बिजनेस और एंटरप्राइज इन ऑफ एन इश्योर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिसीव्स इन कंसिडरेशन ऑफ सर्विसेज और प्रॉपर्टी और बोथ सर्विसेज और प्रॉपर्टी 10% और मोर ऑफ एनी क्लास। इसमें हमारे में नहीं दिया गया है प्रोमोटर का ऐसा कोई मतलब इक्विटी शेयर का कोई परसेंटेज या कुछ, या कोई भी सिक्योरिटीज का, लेकिन इनमें दिया हुआ है कि जो भी 10% या उससे ज़्यादा किसी भी क्लास ऑफ शेयर्स का या सिक्योरिटीज का होल्ड करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्रोमोटर्स। क्लियर। हाउएवर पर्सन हु रिसीव सच सिक्योरिटीज और प्रोसीज इन ईदर सोली एज अंडर राइटिंग कमीशन और सोली इन कंसिडरेशन प्रॉपर्टी शैल नॉट बी डीम्ड एज प्रोमोटर। हमारे में क्या क्या लिखा हुआ है प्रमोटर के डेफिनेशन में, कि अगर आप एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करते हो ना, तो आपको प्रमोटर के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें जो भी अंडरराइटर का काम करते हैं उनको एक्सक्लूड किया गया, ठीक। ये सब हो गया। इज नीदर अ ट्रस्टी नॉर एन एजेंट ऑफ द कंपनी, ये हमारे में भी लिखा हुआ है कि एक जो प्रमोटर होते हैं वो हमारे लिए एक फ्यूडिशरी, पोजीशन होल्ड करते हैं, ठीक है, जो कि एक ट्रस्ट का और एक कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, मॉनेटरी नहीं होता, ये एक ट्रस्ट का रिश्ता होता है बेसिकली। नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑलरेडी 20 मिनट्स अराउंड हो चुके हैं इस लेक्चर को, तो हम अगले लेक्चर में तुरंत इसे कंटिन्यू करते हैं, और आप भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आप अभी भी नहीं दे रहे हो, हमारे पास 30 दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है और हमें इस बार एग्जाम्स क्लियर करना है, चाहे वो पोस्टपोन ही हो जाए बाद में, लेकिन हमें अपना 100% देना है, ठीक है।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।